कल रात बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव दो सीटों पर हुआ है। लखनऊ कैंट से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। लखनऊ कैंट से कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, जबकि एसपी से बीएसपी में आई अपर्णा यादव की भी दावेदारी थी। बहरहाल लखनऊ कैंट से ज्यादा दिलचस्प मामला सरोजनी नगर का है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। पांच साल पहले तेज तर्रार नेता के रूप में उभरी स्वाति सिंह का चुनाव से पत्ता कट गया है। जी हां, बीजेपी ने इस बार योगी सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री को इस बार सरोजनी नगर के चुनाव मैदान से हटा दिया है। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर सुपर कॉप से नेता बनने जा रहे राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। क्या पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य है, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को मैदान में उतार कर एक तीर से दो शिकार कर लिए। बताया जाता है कि स्वाति सिंह और उनके पति बीजेपी नेता दया शंकर सिंह दोनों सरोजनी नगर सीट पर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन टिकट न स्वाति को मिला न उनके पति दया शंकर सिंह को। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से मौजूदा विधायक हैं, जबकि दया शंकर सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी हैं। पार्टी का निर्णय पहले भी पार्टी ने कहा कि पत्नी को लड़ाओ तो हम पत्नी को लड़ाए। मैं पहले भी कहा था कि पार्टी जिसको लड़ाएगी हम लोग लड़ाएंगे, और आज पार्टी ने राजेश्वर सिंह जी को सोनी नगर से टिकट दिया है। तो ये तो कोई मैं हम लोग नहीं तय कर सकते कि कौन कहां पर लड़ेगा, ये तो पार्टी निर्णय करती है कि भाई आपको यहां पर लड़ना है। हमारे लिए नहीं, सभी कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकता कि मैं यहां लड़ूंगा या मैं ही लड़ूंगा, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी उस समय की परिस्थिति माने सामाजिक समीकरण जो परिस्थितियों को देख करके अपना आकलन करती है और जिसको देती है वो लड़ता है। आप देखें बहुत सारे लोग, अभी आप लखनऊ में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग नाम चल रहे थे, बहुत सारे दूसरे नाम आए हैं, तो उसमें ये तो पार्टी अपने स्थितियों को देख कर। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वाति सिंह तेज तर्रार नेता के रूप में उभरी थी। उनके पति बीजेपी नेता दया शंकर सिंह के बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद जब तब के बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्वाति सिंह और उनकी बेटी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, तो स्वाति सिंह मैदान में आ गई थी। मैं तो अपने लिए आई हूँ कि मुझे या मेरी बेटी को या मेरी माँ को क्यों इसमें घसीटा गया, तो मैं उसके लिए आई हूँ। उनकी जो लड़ाई है वो अपना अपने तरीके से कर रहे हैं, कानून अब तय कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके इस आक्रामक तेवर के पुरस्कार में बीजेपी ने उन्हें सरोजनी नगर से सीट दे दिया था और वो मंत्री भी बने। जहां तक राजेश्वर सिंह का सवाल है तो वो प्रवर्तन निदेशालय के जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। वीआरएस मंजूरी के 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने उन्हें लखनऊ के सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में उतार दिया। राजेश्वर सिंह ने जब वीआरएस का ऐलान किया था तो उनके गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। फिर चर्चा हुई कि राजेश्वर सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर के सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके टिकट की दौड़ सरोजनी नगर पर खत्म हुई। राजेश्वर सिंह जी एक अच्छे अधिकारी हैं, उनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने ईडी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े जो घोटाले थे उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा और करीब हजारों करोड़ रुपया जो है जब्त कराए जो भ्रष्टाचारियों से। लेकिन राजेश्वर सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह की लखनऊ में पोस्टिंग को खतरे में डाल दिया है। राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह लखनऊ रेंज की आईजी हैं। हालांकि सरोजनी नगर विधानसभा उनके दायरे में नहीं आता, लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर विरोधी दलों ने पति के चुनाव लड़ने वाले जिलों में पत्नी की तैनाती की शिकायत की जाती है
तो चुनाव आयोग को इस शिकायत पर गंभीरता से सोचना होगा। गौरतलब है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके, जो लगातार उनके साथ रहे हैं उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जाहिर है ये विवाद तूल पकड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी का एक अंदरूनी विवाद सुलझता नजर आ रहा है। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे स्वाति सिंह के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, एक तरफ तो काम को आधार बनाकर टिकट वापस लिया जा सकता है, नहीं दिया गया। दूसरा वजह यह हो सकती है कि मियां बीवी आपस में ही उस सीट को लेकर लड़ रहे थे, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, 2017 में जब ये चुनावी बिगुल फूका गया था उस समय पर स्वाति सिंह एक तरीके से एक एंग्री लेडी के तौर पर आई, क्योंकि जो विवादित टिप्पणी हुई उस पर उन्होंने अपनी बेटी और मां के सम्मान की लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसके बाद से स्वाति सिंह सरोजनी नगर से विधायक बनती हैं और मंत्री बनती हैं, लेकिन 2017 से 2022 के बीच आते आते उनके साथ तमाम ऐसे विवाद जुड़ गए जिसके चलते शायद पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री रहते हुए उनका टिकट काटा गया। पति पत्नी के बीच का विवाद तो था ही, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व था वो शुरू से इस बात को लेकर समझ रहा था कि अगर दोनों पति पत्नी में से किसी एक को भी टिकट दिया तो ये आपस में ही पार्टी का नुकसान करवा देंगे, वोट कटवा देंगे। ऐसे में पार्टी ने राजेश्वर सिंह का निर्णय लिया। राजेश्वर सिंह, अगर जातिगत वोट बैंक की बात करें तो राजेश्वर सिंह क्षत्रिय जात से आते हैं और सरोजनी नगर में एक निर्णायक भूमिका में है क्षत्रिय जो वोट बैंक है। ऐसे में राजेश्वर सिंह की लैंडिंग होती है सरोजनी नगर में। और एक तीसरा फैक्टर, यानी कि दोनों के विवाद के बीच में एक तीसरे व्यक्ति को ये इसका फायदा दिया जाता है। राजेश्वर सिंह निर्विवादित व्यक्ति है, कोई उनका विवाद नहीं है, लिहाजा सरोजनी नगर सीट जो सबसे दिलचस्प थी वहां से राजेश्वर सिंह को दिया गया। अभी हम स्वाति सिंह के घर पर मौजूद हैं। ये स्वाति सिंह मंत्री के तौर पर उनका सरकारी आवास है। सुबह से कल तक स्वाति सिंह के घर पर मिलने वालों का तांता लगा रहता था, उनके जो मिलने वाले लोग थे वो मिलते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वाति सिंह अभी आवास के अंदर भी नहीं है, वो बताया जा रहा कि बाहर है, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में भी लोग मिलते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शायद राजनीति का ही चेहरा है कि जब आदमी के पास से कुर्सी चली जाती है, जब राजनीतिक कद खत्म होने लगता है तो लोग भी किनारा कर जाते हैं, लेकिन स्वाति सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। और लखनऊ की सबसे दिलचस्प सीटों में से थी सरोजनी नगर और कैंट। सरोजनी नगर को लेकर के तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि किसको टिकट मिलेगा। स्वाति सिंह और उनके पति जयशंकर सिंह के बीच में जिस तरीके से विवाद था, हालांकि जयशंकर सिंह कह रहे हैं कि स्वाति सिंह के टिकट कटने का निर्णय पार्टी के द्वारा लिया गया है, स्वाति सिंह को भी किसी का टिकट काट के ही दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि सरोजनी नगर सीट लखनऊ की सबसे दिलचस्प सीट थी, हॉट सीट थी, और उसके बाद लखनऊ की कैंट सीट जहां से पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट दिया है। अपर्णा यादव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है कि क्योंकि पहले ये कयास लगाया जा रहे थे कि शायद वो करहल से लड़े, अब कहां से आखिरकार टिकट मिल रहा है? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के शुरू से पहले, चूंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए, तो अपर्णा यादव कैंट इलाके में सक्रिय रही हैं। उन्होंने जो भी अपनी गतिविधि रही है वो कैंट इलाके में सक्रिय रही है। अब वो बीजेपी में आ गई है, बीजेपी से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट दिया जा चुका है। शुरुआत में जरूर चर्चा आई कि वो करहल से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उस बात को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा, तो करहल से एसपी सिंह बघेल को उतार दिया गया। सरोजनी नगर सीट में सबसे बड़ी बात है कि सरोजनी नगर सीट में अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जरूर उतार दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी कैंडिडेट नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की तमाम सीटों पर तो अपने कैंडिडेट कल ही उतार दिए, लेकिन सरोजनी नगर सीट पर कौन लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, यह अभी निर्णय होना बाकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वाति सिंह का टिकट कट गया है, ये एक बड़ा दिलचस्प है। हालांकि तमाम इस तरीके की बातें भी चल रही है कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी में जा सकती है, उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि या ऐसा नहीं है, चर्चाएं हैं, लेकिन
सरोजनी नगर सीट को लेकर के जो भी बनी हुई थी लोगों की, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बीजेपी के टिकट के ऐलान के बाद आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने स्वाति सिंह के पति और बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की, सुनिए। स्वाति सिंह जो कि योगी सरकार में मंत्री रही, उनका टिकट कट गया। उनके पति दयाशंकर सिंह की दावेदारी थी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला और टिकट राजेश्वर सिंह को मिला जो कि रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ईडी के। चर्चा उनकी थी। इस वक्त हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं। दयाशंकर जी, ये बताइए कि पति पत्नी आप लोग लड़ते रहे, ना आपको टिकट मिला ना आपकी पत्नी को टिकट मिला, आप खुश हैं या दुखी हैं? नहीं देखिए, मैं पार्टी का निर्णय पहले भी पार्टी ने कहा कि पत्नी को लड़ाओ तो हम पत्नी को लड़ाए। मैं पहले भी कहा था कि पार्टी जिसको लड़ाएगी हम लोग लड़ाएंगे और आज पार्टी ने राजेश्वर सिंह जी को सुरेंद्र नगर से टिकट दिया है और राजेश्वर सिंह जी एक अच्छे अधिकारी हैं। उनके बारे में जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने ईडी में रहते हुए बहुत बड़े बड़े जो घोटाले थे उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा और करीब हजारों करोड़ रुपया जो है जब्त कराए जो भ्रष्टाचारियों से। और लखनऊ में भी उनका पुराना नाता है, लखनऊ में भी जब मैं छात्र नेता थे तो यहाँ पर वो सीईओ हुआ करते थे, लखनऊ शहर को भी वो भली भांति जानते हैं। पार्टी ने एक बहुत तेज तरार और अधिकारी को जिसको लखनऊ ऐसे लोगों को पसंद करता है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुरेंद्र नगर की जनता और लखनऊ के लोग क्योंकि राजेश्वर सिंह से परिचित हैं और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। और दूसरा ये भी कि राजेश्वर सिंह से हम लोग के रिश्ते भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजेश्वर सिंह की जो शादी हुई है बलिया में हुई है और उस परिवार से भी हम लोग का मैंने बहुत पारिवारिक नाता रहा है। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट आए हैं, मुझे प्रसन्नता है और उनको मैं भारी बहुमत से जिताने में सहयोग करूंगा। टिकट कटा है पत्नी का, ज्यादातर लोग नाराज होते हैं, आप हंस रहे हैं खुश? देखिए, मैं कभी भी आज तक कभी नाराज नहीं हुआ हूँ। पार्टी के निर्णय और हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। आज जो कुछ भी है, आज जो है, आज अभिषेक भाई हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की पत्नियों को टिकट कटा होगा, परिवार के लोगों को टिकट कटा होगा, तो उनके यहाँ कहाँ जाते हैं आप? नहीं, लेकिन आप तो लगे थे कि टिकट उनका कट जाए। नहीं, कभी नहीं। आप चाह रहे थे कि कट जाए, आपको मिल जाए? नहीं, मैं कभी नहीं ये चाहा कि उनका कट जाए। और मैं देखिए, ये तो मैंने कहा था कि पार्टी के जो पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है। लड़ना चाहते थे? देखिए, आदमी राजनीतिक क्षेत्र में है तो लड़ना तो चाहेगा ही, लेकिन कहीं ये नहीं था पार्टी, यदि हमने कहा था कि पार्टी लड़ाना चाहे तो मैं लड़ूंगा और पार्टी जहां से लड़ाना चाहे वहां से लड़ूंगा और पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको लड़ाऊंगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे लड़ाए और किसी को न लड़ाए। तो हम तो लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब आपकी पत्नी वहां से विधायक थी, मंत्री थी, तो आपकी दावेदारी होगी तो नेचुरल है कि दोनों की दावेदारी होगी तो एक का कट सकता है? ये तो दोनों ही का कट गया। नहीं देखिए भाई, पत्नी को भी तो किसी को काट के ही मिला था। तो ये तो पार्टी है, हर समय जो समय उसकी परिस्थिति जैसी रहती है उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती है। लेकिन आप खुश बहुत हैं। भाई पहले भी मैं खुश रहता था, आज भी खुश हूँ, आगे भी खुश रहूंगा, क्योंकि केवल टिकट के काटने से और जुड़ने से मैं नाराज होता हूँ न खुश होता हूँ। वही राजेश्वर सिंह दूसरे ऐसे हैवीवेट अफसर हैं जिसे बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण को बीजेपी ने कन्नौज का टिकट थमाया था। असीम अरुण की उम्मीदवारी के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मांग की कि उनके साथ 5 सालों में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाया जाए। इस पर आज तक ने असीम अरुण से बातचीत की। एक आरोप और अपर लगाया अखिलेश ने, कहा कि अच्छा मुझे समझाइए एक बार कि पिछले जो उन्होंने चीज कही कि पिछले 5 साल जितने अधिकारी आपके साथ थे वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ आपके नेता बनने के बाद भी जुड़े होंगे, क्या ऐसा है या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं है। ये मूल रूप से इस बात पे इन प्रिंसिपल जो है कि क्या कोई अधिकारी रिटायर होता है या मेरी तरह सेवानिवृत्त वीआरएस लेता है तो क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जिसके बाद वहां, ये मूल क्वेश्चन ये है। अब अभी तक ऐसे उदाहरण बहुत कम है जिसकी वजह से यह सवाल नहीं आया। अगर मेरा उदाहरण ऐसा होगा जिसमें कि मैं अपने पिछले सरकारी पोजीशन को दुरुपयोग करता हुआ दिखूंगा तो निश्चित रूप से ऐसा कानून बनेगा, लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे और साथी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मूल रूप से देखिए,
मेरा लोकसेवा में आने का मतलब केवल यही है कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ चलूं। मेरे पिताजी ने ईमानदारी के राह पे चलने का एक मापदंड स्थापित किया, मैंने भी कोशिश की मैं उसी राह पे चलूं। आज जब मैं लोकसेवा में हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि वो विशेषण मेरे नाम के आगे से हट जाए? नहीं, तो फिर आने का फायदा क्या हुआ? तो वो सिद्धांत रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ट्विटर पर भी एक चीज आपने जिस दिन ज्वाइन किया, ये ट्विटर पे कई लोगों ने ट्वीट किया, आजकल तो मीम्स बनते रहते हैं कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि असीम जी एक दलित चेहरा है पुलिस ऑफिसर, आपने भी देखे होंगे ट्विटर पे इस तरह के मीम्स। इस तरह की चीजों को जो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे नेता बनने के बाद, कैसे लेते हैं आप? इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में हमारी कोई जातीय पहचान नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, हालांकि जाति एक वास्तविकता है। दूसरी ओर जब राजनीति में है तो यहाँ भी नीति यही है कि मैं नहीं चाहूंगा या मैं चाहूंगा कि मुझे ऐसे नेतृत्व के रूप में देखा जाए जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होता है कि मेरे दलित भाई बहन जो मुझसे विकास में एक कदम पीछे हैं, उनके लिए मुझको और मेरे और भी ऐसे भाई बहन जिनको कि सामाजिक न्याय का लाभ मिला और आगे बढ़े, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने और भाई बहनों को हम लोग मजबूत करें। यूपी में चुनाव प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है। करप्शन, अपराध, मुजफ्फरनगर दंगा प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर रहे हैं। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है। वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। उनके डायलॉग बाजी है, कौन सुन रहा है उनकी बात? समाजवादी पार्टी का एक विकास है, मैं बताऊं, उनके समय का भी एक विकास है, और सड़क में नहीं, रैपिड रेल में नहीं, खेत के पानी में नहीं, वह विकास है कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल में। वही तेवर, वही आक्रामक और चुटीला अंदाज, बस मंच और शहर बदला था लेकिन संदेश वही। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोदी नगर में बीजेपी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है, इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया, जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। जो पैसा पहले दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते हैं, और फिर उसी से दंगाइयों के ऊपर और हिस्ट्री सीटर के घरों पे चलाने का काम भी करते हैं। योगी की रैली कहीं भी हो, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र प्रमुखता से होता है। मोदी नगर की रैली में भी हुआ। केराना के व्यापारियों को भगाने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है, बुलंदशहर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है, मुजफ्फरनगर का दंगाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनता है, और सचिन और गौरव जैसे युवकों की और सैकड़ों किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव सरकार के मंत्री को क्लीन चिट देने वाला आपके यहां से उनका प्रत्याशी भी बनता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। योगी लगातार आक्रामक है, समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को निशाना बना रहे हैं, तो अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी पर भी तीर चला रहे हैं। कल मथुरा से आरएलडी के जयंत चौधरी ने इसका जवाब दिया। वो जितने गाली हमें देंगे हम और शक्तिशाली होंगे। पीछे जो पिछले सप्ताह ठंड आई थी, मुझे लग रहा है वो बौखलाहट में उनको खुद ठंड लग गई। बीजेपी का कहना है वो कंबल ओढ़ के लेट जाए। कुछ लगातार इसको लेकर सवाल हो रहे हैं।
वो उनके डायलॉग बाजी है, कौन सुन रहा है उनकी बात। यूपी में पहले दौर में 10 फरवरी को मतदान है, यानी चुनाव प्रचार में हफ्ते भर का समय बाकी है। जाहिर है हमले अभी और तेज होंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मोदी नगर से मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बजट की करेंगे। आम बजट को विपक्ष ने तो खारिज कर दिया, अब एक और मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद खड़ा हुआ है निर्मला सीतारमण के एक बयान पर। क्या है वो बयान, सुनिए। स्पीकर सर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2022-23। राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जुबान से UP टाइप निकला और कांग्रेस ने इसे लपक लिया। I think he's given that typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. ये UP टाइप क्या है? इस पर क्यों विवाद मचा है? ये सब हम आपको बताएंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। दरअसल बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने राज्य मंत्रियों और मंत्रालय से जुड़े सचिवों के साथ मीडिया से मुखातिब थी। उसी दौरान निर्मला सीतारमण से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसमें उन्होंने बजट को जीरो करार दिया था। इस सवाल का जवाब देने के लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सामने आए। राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीज़ों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज़ का आंसर दे भी रही हैं। हर सेक्टर के लिए दूरगामी बजट है ये, निश्चित तौर से इससे देश को और भविष्य में फायदा होगा। वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद खुद वित्त मंत्री ने मोर्चा संभाला। क्या और किस अंदाज में कहा, आप भी देखिए और सुनिए। आई थिंक ही इज गिवन दैट टिपिकल यूपी टाइप ऑफ एन आंसर, व्हिच इज गुड इनफ फॉर अ एमपी हु रैन अवे फ्रॉम यूपी। Yeah, na? No, that's not right. I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where what benefits them. दरअसल राहुल गांधी ने बजट को जीरो बताते हुए ट्वीट में कहा था, मोदी सरकार का जीरो बजट, वेतन भोगियों, मध्यम वर्ग, गरीब, वंचित, युवा, किसान, एमएसएमई के लिए कुछ नहीं। इस ट्वीट के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता पर हमलों की झड़ी लगा दी। कहा, राहुल को पहले उन राज्यों का हाल देखना चाहिए जहां कांग्रेस सरकार में है। जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे हैं। स्टिमुलस देने के बाद हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी? निर्मला सीतारमण के विस्तृत जवाब के बीच कांग्रेस ने वो हिस्सा निकाल लिया जिसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब को उन्होंने यूपी टाइप कहा था। राहुल गांधी को शायद समझ में नहीं आया होगा, यही बात सही है, क्योंकि इस बजट में सारे चीजों की सारी व्यवस्था की गई है। अभी मैडम सारी चीज का आंसर दे भी रही है। आई थिंक ही इज गिवन दैट typical UP type of an answer, which is good enough for a MP who ran away from UP. निर्मला ने ये बात वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब में कही। उनके कहने का शायद मतलब हो, मंत्री ने ठेठ और बेलाग अंदाज में राहुल गांधी को जवाब दे दिया। उन्होंने UP टाइप को तारीफ के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया। प्रियंका ने ट्वीट किया, निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति
वो इतिहास पर गर्व है। यूपी में चुनाव है और जाहिर है कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाएंगे। आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए ये यूपी टाइप जो वर्ड्स यूज करे यहां पर निर्मला सीतारमन ने, उसे विपक्ष ने तो लपक लिया है, लेकिन ये ऐसे वक्त पर आए हैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में शायद निर्मला से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देखिए, मुझे लगता है इसको पूरे अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसमें चूक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जिस एमओएस पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया है वो यूपी टाइप का जवाब दिया है जिस राहुल गांधी को, क्योंकि वो वहां से उत्तर प्रदेश से चले गए। और उसके बाद निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि जिन इश्यूज को राहुल गांधी गिना रहे हैं उन सभी को बजट में समाहित किया गया है, उनको अलग नहीं किया गया है। और मुझे सोचना होगा कि एक पुरानी कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता को ये देखना होगा कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी उसको पटरी पे लाने का काम हमने 7 सालों में किया है, जिसमें पेंडेमिक का 2 साल भी रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सवाल जरूर उठा दिए कि आप अपनी राज्य सरकारों में देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट है, क्या राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां एम्प्लॉयमेंट क्या है, कपास की खेती करने वाले किसान जो है वो महाराष्ट्र में मर रहे हैं। हाँ, ये टिपिकल यूपी टाइप जो बयान है इसको कांग्रेस ने जो है वो पकड़कर उस पर सियासत शुरू की, और ये सियासत का दौर है। और इसीलिए शायद निर्मला सीतारमन ने भी यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया है वो टिपिकल यूपी टाइप का है। तो एक तरीके से दोनों तरफ से सियासत हो रही है, और क्योंकि चुनाव का माहौल है तो इस तरीके के बयानों को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो नेहा लगते ही रहेंगे, ये हमेशा हम चुनाव में देखते हैं। लेकिन बजट से चुनाव की ये यात्रा शायद दोनों पार्टियों को देखना होगा कि किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।